नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बेटी की उम्र की छात्रा से वृद्ध ने की गंदी हरकत, भागकर बचाई अपनी इज्जत, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में मेडिकल की तैयारी करने वाली स्टूडेंट के साथ गलत हरकत करने वाले बुजुर्ग होटल संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्टल में रहकर मेडिकल पढ़ाई कर रही है। वृद्धा होटल संचालक ने उसे मिलने के लिए बुलाया और केबिन में पकड़कर किस करने लगा। उसकी हरकतों का विरोध करते हुए किसी तरह भागकर छात्रा ने अपनी इज्जत बचाई। इसके बाद मामले की जानकारी अपने भाई और परिजन को दी थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। मामला तारबार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले में रहने वाली 18 वर्षीय लड़की 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मेडिकल की तैयारी कर रही है। वो पुराना बस स्टैंड के पास प्राइवेट हॉस्टल में रहती है। वो राजीव प्लाजा के पास स्थित खालसा पराठा सेंटर में दोपहर और शाम को खाना खाने जाती थी। इस बीच 30 नवंबर की रात करीब 8 बजे जब वो होटल खाना खाने गई थी, तब होटल संचालक गुरमीत सिंह सलूजा 65 वर्ष ने छात्रा को सुबह मिलने के लिए बुलाया था। कोचिंग जाते समय 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे छात्रा होटल संचालक गुरमीत सिंह सलूजा से मिलने गई, तब वो होटल में अकेला था। उसने अंदर अपने केबिन में बुलाया और पकड़कर गले लगा लिया और गंदी हरकत करने लगा। उसकी गतिविधियों को देखकर छात्रा घबरा गई। वो किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर भागते हुए कोचिंग सेंटर पहुंची। इसके बाद अपने भाई को इस घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही उसके परिजन भी बिलासपुर आ गए और शिकायत करने तारबार थाने पहुंचे थे। पहले तारबार पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इस दौरान पुलिस इस केस की जांच करने के बहाने छात्रा और उसके परिजन को घुमाती रही। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें छात्रा होटल के बाहर और अंदर जाती दिख रही है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी होटल संचालक गुरमीत सिंह सलूजा के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा जब शुरू में यहां रहने आई, तब परिजन ने खालसा होटल के संचालक गुरमीत सिंह सलूजा से मुलाकात की थी। उससे 2-3 बार मिलने के बाद परिजनों ने होटल संचालक पर भरोसा कर लिया था। छात्रा और परिजन उसके यहां जाकर बैठते थे। इसके बाद उस पर भरोसा करते हुए उसे लड़की का स्थानीय अभिभावक बनाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे अभिभावक बनाया था वही उनकी बेटी पर गलत नीयत रखता है।